Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक रुपए से कम कीमत वाला चम्मच 2 लाख रुपए में बिका, ये है खासियत। अक्सर ऐसी कहानियाँ सामने आती रहती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को किस्मत से कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि वो रातों रात अमीर बन जाए। हाल ही में एक और बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें एक शख्स की ज़िंदगी रातों रात बदल गई। इस आदमी की किस्मत को बदला है एक चम्मच ने। जी हाँ, ये चम्मच इस व्यक्ति को 1 रुपए से भी कम में मिला, मगर बाद में इसकी ऑनलाइन नीलामी हुई। आगे जानिए पूरी डिटेल। एक व्यक्ति जिसका नाम का खुलासा नहीं हुआ है ने लंदन में गलियों में एक कार बूट सेल से सिर्फ 90 पैसे में पुराना टूटा हुआ पतला और लंबे हैंडल वाला चम्मच खरीदा। बाद में एक ऑनलाइन नीलामी के दौरान इसे 2 लाख रुपए की भारी राशि में बेच दिया। इस आदमी को ये चम्मच आईकिया स्टाइल कटलरी के बीच में पड़ा मिला जिसे उसने 90 पैसे में खरीदा था, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा था कि खराब दिखने के बावजूद यह एक दुर्लभ मध्यकालीन चम्मच हो सकता है। इसके तुरंत बाद व्यक्ति ने कुकर्न स्मॉल सेट के लॉरेंस ऑक्सर्स के संपर्क किया और नीलामी के लिए चम्मच को रजिस्टर किया। वे लॉरेंस ऑक्सर्स से कॉन्फर्मेशन की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच लॉरेंस ऑक्सर्स के सिल्वर एक्सपर्ट एलेक्स बूचर ने 5 इंच की चम्मच की जांच की और पाया कि यह 13वीं शताब्दी के अंत में बना एक चांदी का चम्मच है। अनुमान के अनुसार इसकी वैल्यू 51,712 रुपये लगाई गई। इसके बाद उन्होंने चम्मच को ऑनलाइन नीलामी के लिए रखा और धीरे धीरे इसकी बोली बढ़ती गई। बोली लाखों रुपए तक में पहुंच गई और अंत में चम्मच को 1,97,000 रुपए में बेच दिया गया। टैक्स और अतिरिक्त शुल्क के साथ इस प्राचीन चम्मच की कीमत 2 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार चम्मच के बारे में बताते हुए बूचर ने कहा, खोजकर्ता चांदी का डीलर नहीं है, लेकिन जो शौक के रूप में कार बूट सेल में जाए तो स्पष्ट रूप से उसके पास अच्छी नज़र है। करीब दो महीना पहले न्यूयॉर्क में एक नीलामी हुई जिसमें 1933 का डबल ईगल वाला एक सोने का सिक्का 1.79 करोड़ डॉलर में बिका। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह रकम 138 करोड़ रुपए होती है। ये सिक्का मात्र $20 का था। भारतीय मुद्रा में आज की रेट के हिसाब से भी यह सिक्का 1400 से 1500 रुपए के आसपास का होता है, मगर बावजूद इसके लगभग 138 करोड़ में खरीदा गया। इस सिक्के की नीलामी न्यूयॉर्क शहर के सोथबी में हुई। जूते के डिजाइनर और कलेक्टर स्टू और विजरमैन ने इस सिक्के को बेचा। उन्होंने इसे 2002 में 76 लाख रुपए डॉलर जो कि 55 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके खरीदा था। अब उन्हें 55 करोड़ रुपए के मुकाबले 138 करोड़ की रकम हासिल हुई है। ये दुर्लभ और 1933 का केवल डबल ईगल वाला सिक्का था जिसे कभी भी निजी स्वामित्व के लिए अनुमति नहीं दी गई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.